सो हेलो ट्रेडर्स। तो अभी 10 बज के 5 मिनट की कैंडल अभी चालू हो गई है, तो फिर ये ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से गिर सकता है मार्केट, जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। तो मैं यही सोच रहा था कि मार्केट जो यहाँ से ऐसा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, है कि नहीं? जब मैंने पहले बताया पहले वीडियो में अपने, फिर मैं ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ फिर से कि मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट तो कर रहा है, और यहाँ पे जो मैं बताऊँ आपको, एम पैटर्न भी बन रहा है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, फिर उसके बाद एक एम पैटर्न बनेगा। जैसे मैं बताऊँ, लॉन्गर टाइम फ्रेम में जो अपना इसका है, एक एक घंटे या फिर तो 30 मिनट्स के आसपास एक एम पैटर्न बन रहा है। ये वाला पूरा ऐसा एम बन जाएगा, जैसे हम लाइन इसमें भी देखें। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको फिर से। ये ऐसे करके मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लिया। उसके बाद जो अपना प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस होता है, जो हम जिस ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो हम हाई हाइज बोलेंगे, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता है, जिसको हम हाई हाइज बोल के ऐसे बताते कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अभी मार्केट क्या किया, वहां पे टच किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट से सपोर्ट लिया उसने, फिर उसे ऊपर गया, लेकिन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और 1 आवर टाइम फ्रेम के आसपास अगर हम देखेंगे, मेरे हिसाब से 30 मिनट में शायद से हो जाए। देखते हैं एक बार, 30 मिनट या फिर 1 आवर के आसपास अगर हम देखेंगे, तो फिर अपने को ये पता चल जाएगा कि एम पैटर्न बन रहा है। एक मिनट में हटा दो सब कुछ, ये एक मिनट, चलो हो गया, थोड़ा रह गया। हाँ जी, तो अभी ये अगर हमने देखा, हाँ, तो अभी वो धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पे नीचे फेयर वैल्यू गैप्स भी बहुत हैं, जो बंदी लोग जानते हैं या समझ पाएंगे। ये देखो, यहाँ पे पूरा बहुत सही फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन डर इस बात का है कि भाई अचानक से ये जो स्पाइक आई ना, कहीं अचानक से स्पाइक आ गई ना, जो भी प्रॉफिट बना पा रहे हैं बुक नहीं कर पाएंगे। और बुक करने से देखो प्रॉफिट दिखा अपने को, 1,000 2,000 रुपए दिख रहे हैं। हम सोच रहे भाई हाँ भाई, 2,000 हो चुके हैं, अभी एक और 1,000 मिल जाएगा 3,000 के आसपास, तो अपना 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके हम बाहर निकल जाएंगे, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, है ना? लेकिन अगर वो 2,000 दिखने के बाद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है ऐसे नीचे, बंदा बोलेगा यार कहाँ से 2,000 बुक नहीं कर पाया, चल ठीक है फिर से जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा मैं बुक कर लूंगा। फिर वो उसके वेट में ही मार्केट धीरे 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 ऊपर चला जाएगा, पूरा खा जाएगा अपना। उसके साथ कंसोलिडेशन हो गया तो फिर से स्क्वीज हो जाएगा पूरा मार्केट। अभी बहुत ही, मतलब रिटेलर के हिसाब से तो नहीं, मार्केट रिटेलर के हिसाब से या फिर चल रहा था कब, मेरे हिसाब से देखो फेब्रुअरी, मार्च अप्रैल में, 3 महीने बढ़िया एक डायरेक्शन, कहीं पे भी ब्रेकआउट देगा मार्केट, ऐसे आया ऐसे ब्रेकआउट देगा धड़ाम से ऊपर, ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन धड़ाम से नीचे, ऐसा कर रहा था मार्केट। अभी क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा है, धीरे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर धीरे धीरे स्पाइक आ गया, और फिर ये ऊपर फट 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 गया भाई, इतना फट गया यार। अगर मेरे को पता रहता इतना फटेगा तो मैं यहाँ पे रुका रहता, मैं थोड़ी ना यहाँ पे जाता। देखो 500 600 पॉइंट गिरा, मतलब गया है ऊपर 600, मतलब 300 पॉइंट के आसपास, 300 तो 300 के आराम के आसपास आपने मोमेंटम दिया है। उसके साथ कम से कम हम लोग कम से कम 150 180 या फिर 200 के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर पाते, 200 पॉइंट अगर हम कैच कर पाते, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि मार्केट अभी अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट अभी देखो यहाँ पे जो स्क्वीज कर रहा था, स्क्वीज किया मार्केट ने यहाँ पे पूरा, ये जो ऐसा पूरा ऐसा रेंज इतना जो स्क्वीज किया, इसकी कितनी है, इसका रेंज कितना है, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसका रेंज देखेंगे यहाँ से लेके देखो 300 पॉइंट के आसपास, और 300 पॉइंट से यहाँ से अगर वही उसने किया, क्या 300 पॉइंट तो यहीं पे खत्म हो गए, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है जो 300 पॉइंट यहीं पे खत्म हो गए ना वो, देखो फिर उसने एक फिर से डाउन मारा, यहाँ से उसको नीचे गिरना चाहिए था, नहीं गिरा, वो ऊपर गया। मार्केट अभी अनप्रिडिक्टेबल है, और मैंने बताया कि वो 300 पॉइंट रैली क्यों किया उसने, वो सब मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे टूटे। देखो मैं बता रहा, मेरा अब अच्छा, हाँ मैं अपना ट्रेडिंग प्लान बता देता हूँ आपको आज का। यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर इसे ब्रेकआउट करे, यहाँ पे सेलर्स आनी चाहिए, सेलर्स आनी चाहिए, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स लोग आए, और मार्केट इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल इसका 51, हाँ 51 50, आराम से 51 50 के आसपास, ये देखो ये वाला लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके अपना सपोर्ट ले, फिर इसे टच करके, फिर ये पहला एसएल खाया सेल लोगों का, फिर से एसएल खाया, और फिर से यहाँ पे एसएल खा के यहाँ पे खा ले ऊपर चला जाए। अब कहाँ जा सकता है मैं नहीं बता सकता, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा
मैं नहीं बता सकता हूँ 100% अश्योरिटी के साथ नहीं, लेकिन मार्केट जो अपना पैटर्न वाइज बिहेव करता है, जिसको मार्केट बिहेवियर के नाम से हम ज़्यादातर जानते हैं, तो उसके हिसाब से तो मेरे को तो यही लग रहा है कि मार्केट आज डाउन साइड के लिए नहीं है। हाँ, मार्केट जा सकता है नीचे, मार्केट और जैसे मैंने बताया यहाँ से नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, क्या पता 600 पॉइंट नीचे गिर जाता मार्केट, यही आज फिर ऐसा ही हो सकता है कि मार्केट नीचे और गिर जाए। बता नहीं सकते कि मार्केट नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यहाँ पे बहुत सही सही फेयर वैल्यू गैप्स बढ़े हैं, मार्केट को आराम से मिल सकता है, लेकिन जो बंदा बाय करके कल बैठा हुआ है वो इतनी आसानी से मार्केट को नीचे आने नहीं देगा, वो इतनी आसानी से बोलेगा नहीं भाई नीचे आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, अपनी पोजिशन में स्क्वेयर ऑफ करके चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। वो बंदा पुश करेगा, वो बंदा फाइट बैक करेगा, यहाँ से बंदा फाइट बैक करेगा। हाँ, अगर सेलर्स बढ़ गए फिर से यहाँ पे, जो पिछली बार जो आए थे यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखो ये वाला रेंज, एक मिनट, बड़ा टाइप का जो पिछली बार की रेंज की मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल इतना था, जो मार्केट इतना नीचे जा रहा था, मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि मार्केट ये जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, और वो क्यों बैठे, किस लिए बैठे, मैंने ये भी बताया। तो फिर मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर क्या करता है मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आना चाहिए, जिससे मार्केट लोअर लोज बनाते नीचे आता वैसे आना चाहिए। तो मार्केट वो ट्राई कर रहा था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने स्पाइक मार दिया, पूरा ऐसे ऊपर ले गए। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम फिर आ जाता है ना, किसको, रिटेलर को, ऑपरेटर का कुछ नहीं, उनका रोज का काम है, वो पंप करेंगे डंप करेंगे, उनका वही काम है। मार्केट में लिक्विडिटी का काम करता है रिटेलर, ऑपरेटर के पास जैसे मैंने बताया एक 40-50 करोड़ वाला बंदा ऑपरेटर नहीं होता है, 50-60 लाख करोड़ वाला बंदा ऑपरेटर नहीं होता है। ऑपरेटर के पास जैसे कहते तो हैं कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ मनी होता है, इन्फिनिट मतलब पूल बोलते हैं उसको, कि वहाँ जहाँ से भी जितना भी पैसे वो उठा सकते हैं। जैसे बताया जाए ऑपरेटर उनको मतलब एक इंडिविजुअली बंदे को ऑपरेटर नहीं कहते हैं, वो डिटेल की बात है, वो मैंने वीडियो मेरे हिसाब से मैं वो वीडियो बना के डाल दूंगा आपको कि ऑपरेटर किसे कहते हैं, उसको भी ऑपरेटर नहीं कहते हैं। जो 100-200 का एक 50-60 करोड़ लेके आ गया, शायद 100 करोड़ भी जो बंदा वो ना जो लेके वो भी नहीं, मार्केट को मूव कराने लायक पैसा चाहिए, तब वो ऑपरेटर कहलाएगा। तो यहाँ पे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड की जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे चलो आ जाए, शायद से एक स्पाइक भी दे दे और मेरा जो व्यू है वो गलत हो जाए। तो गलत हो गया तो मैंने ट्रेड तो किया नहीं है, तो फिर मेरा कैपिटल कुछ खत्म तो हुआ नहीं मेरा, जिसको देखो अगर मैंने मार्केट में ट्रेड लेता हूँ तो मेरा कैपिटल रिस्क पे रहेगा, अगर मैं ट्रेड नहीं लिया तो मेरा कैपिटल रिस्क नहीं लिया। देखो अभी मार्केट बहुत बहुत सही पिक्चर परफेक्ट है ये, मतलब डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पे ये इतना बड़ा बाइंग नहीं रहती ना यहाँ पे, जो पूरा जो बाइंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला बाइंग वाला मेरे को रहता नहीं ना, मैं यहाँ पे बैठ गया था, आंख बंद करके मैं बैठ गया था, ये अपना यहाँ पे एसएल था, मार्केट यहाँ से स्पाइक मार के एसएल हिट करता, या फिर मार्केट यहाँ से अपने नीचे प्रॉफिट देता और बुक कर लेते। डर इस बात का भाई, कल की तरह कोई बंदा अगर ऑपरेटर आ गया, वो बोला नहीं भाई बहुत ही प्रीमियम क्वांटिटी पे अपने को प्रॉफिट प्राइस मिल रहा है, खरीद लेते हैं फिर से, पोजीशन बनाई है जो उनके पास, फॉर एग्जांपल 10 रुपये की उन्होंने यहाँ पे गए, 10 रुपये उन्होंने कोई चीज़ खरीदी है, जो मैं बता रहे हैं सर्कल में जो 10 रुपये उन्होंने चीज़ खरीदी है, फिर वो मार्केट कितना 200 रुपये की 10 की 20 रुपये होगी, अब वो फिर से 15 पे आ रही है, तो मैं भैया ये 10 का लाया 15 ले लेते हैं और यहाँ तक 20 पे बेच देंगे, प्रॉफिट हो गया, उसके हिसाब से चलता है वो मार्केट। ठीक है, तो आज भाई ट्रेड मुश्किल से भी मत करना, अगर कर लिया ठीक है ऐसे लगाओ, प्रॉफिट कमा लो, नहीं तो फिर आज फ्राइडे है, आराम से अगर ट्रेड 11-11:30 के आसपास अगर ट्रेड अपने को मिलता हो तो ठीक, नहीं तो भाई स्क्रीन बंद कर देंगे और भाई अपना अपने काम पे लग जाएंगे, बाकी का अपना अपने को वीकेंड अच्छे से निकालना है भाई, प्रॉफिट किया एक दो दिन में थोड़ा बहुत, वही लेके खा पी के खुश हैं हम लोग। चल ठीक है, थैंक यू।